इससे वर्मा लाइट वेव का न्यूमेरिकल 21 अ नैरो स्लिट एस ट्रांसमिटिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्ब्रा इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस डी अबव अ लार्ज प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर द लाइट कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम द स्लिट एंड द कमिंग आफ्टर द रिफ्लेक्शन इंटरफेयर एट अ स्क्रीन सिग्मा प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द स्लिट। ए और बी पार्ट करने हैं तो ए पार्ट में कहा है कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट अबव द मिरर दैट इज जस्ट अबव मिरर और दूसरा बी पार्ट है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ओ डज द फर्स्ट मैक्सिमम अकर। तो यहाँ पे ये प्लेन मिरर दिया हुआ है और उसके ऊपर डी डिस्टेंस पर एक सोर्स रखा हुआ है और वो सोर्स यहाँ पे लाइट इमिट करेगा जिसकी वेवलेंथ होगी वेव लैम्ब्डा। अब तक हमने डबल सोर्स डबल स्लिट का एंड डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो इंटरफेरेंस पैटर्न हमें दे रहा था, लेकिन यहाँ पे ये टू कोहेरेंट सोर्सेस एग्जैक्ट टू कोहेरेंट सोर्सेस लाने की नीड में यहाँ पे लॉयर्स ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। लॉयर्स मिरर होगा, अभी लॉयर्स मिरर क्या करेगा कि एक लाइट सभी डायरेक्शन में ट्रांसमिट करेगा, तो कुछ लाइट यहाँ पे इंसिडेंट होगी और ये प्लेन मिरर क्या करेगा उसे रिफ्लेक्ट करेगा और कुछ लाइट डायरेक्टली स्क्रीन पर आ रही है तो ये दो लाइट इंटरफेयर होगी और जहाँ पे इंटरफेयर होगी वहाँ पे मैक्सिमा या मिनिमा होगा डिपेंडिंग उसके पार्ट डिफरेंस पर। तो यहाँ पे कुछ एक पॉइंट होगा तो हमें कहा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब ये सेंटर से फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पे होगा तो मान लेते हैं कि एक कुछ डिस्टेंस यहाँ पे होगा फर्स्ट मैक्सिमा, सपोज ये फर्स्ट मैक्सिमा है कि डिस्टेंस फ्रॉम ओ फॉर फर्स्ट मैक्सिमा है, पहले बी पार्ट करना है मतलब ए डिस्टेंस फाइंड करना है और ये पता है आपको कि वाई से हम डिनोट करते हैं, ये वाई से डिनोट करते हैं। अब ए यहाँ पे दो वेव इंटरफेयर करके मैक्सिमा आना है तो उसके लिए जो वेव होगी उसके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होता है डी साइन थीटा, पार्ट डिफरेंस कितना होता है डी साइन थीटा। अब ये डी क्या होता है, ये डी होता है दो सोर्सेज के बीच में दो स्लिट के बीच का सेपरेशन। अब यहाँ पे दो स्लिट तो नहीं है मतलब दो सोर्सेस तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ए वेव और ए वेव इंटरफेयर रही तो इस वेव का सोर्स तो ए होगा और इस वेव का सोर्स तो ये यहाँ से आ रहे हैं और लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट डायरेक्शन तो हम उसे एक्सटेंड करेंगे, इसे हम एक्सटेंड करेंगे तो हमें इसका वर्चुअल सोर्स मिलेगा एच डैश, इसका एक वर्चुअल सोर्स मिलेगा। अभी ऐसा दिख रहा है कि ए वेव इस सोर्स से आ रही है और ए वेव इस सोर्स से आ रही है तो ये दो सोर्सेस हो गए यहाँ पे और तो दोनों सोर्स में सेपरेशन कितना होगा, ये अगर डी है तो उसकी इमेज भी डी डिस्टेंस पे होगी इस मिरर से, मतलब यहाँ पे सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स सेपरेशन बिटवीन सोर्सेस, एक रियल सोर्स होगा एक वर्चुअल सोर्स होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस होगा 2d, तो यहाँ पे हमें 2d इंटू साइन थीटा करना पड़ेगा। अब ये एंगल फॉर स्मॉल एंगल हम साइन थीटा को लिखते इक्वल टू थीटा तो ये पार्ट डिफरेंस बनेगा इक्वल टू 2d इंटू थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू भी पुट की थी कैसे, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में टैन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ये वाई होती थी और ये डिस्टेंस डी होता था कैपिटल डी, और फॉर स्मॉल एंगल इसको भी हम लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन डी, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फ्रॉम वन हमें पाथ डिफरेंस मिलेगा 2d और थीटा की जगह पे a पुट करेंगे y अपॉन कैपिटल d, तो इतना आ गया पाथ डिफरेंस। अब ये जो वेव और ये जो वेव है जब ये वेव यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये लाइट वेव एक इंफॉर्मेशन याद रखनी पड़ेगी कि जब भी लाइट वेव किसी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होती है तो उसमें पाथ डिफरेंस लैम्ब्डा बाय 2 और फेज डिफरेंस पाई ऐड होता है। यहां पे लिख देते हैं कि व्हेन लाइट वेव रिफ्लेक्ट्स
फ्रॉम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, तो उसमें फेज पाई और पाथ डिफरेंस पाथ लैम्डा बाय टू ऐड होता है। तो इस पाथ डिफरेंस ये वेव यहां पे रिफ्लेक्ट हो रही है डेंसर मीडियम से, तो उसमें पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय टू ऐड करना पड़ेगा। देयरफॉर ए पाथ डिफरेंस, देयरफॉर ए पाथ डिफरेंस आएगा ये 2dy अपॉन कैपिटल d प्लस लैम्डा अपॉन 2। तो ये थर्ड इक्वेशन। अब हमें ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, ये जो पॉइंट होगा उसे हम ब्राइट पॉइंट ले रहे हैं, ब्राइट स्पॉट ले रहे हैं, मैक्सिमम फर्स्ट मैक्सिमा हमें फाइंड करनी है। तो फॉर फर्स्ट मैक्सिमा, पहले तो फॉर मैक्सिमा पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो ये पार्ट डिफरेंस होता है एन लैम्ब्रा, मतलब एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगी, 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन हमें चाहिए फर्स्ट मैक्सिमा, तो फर्स्ट मैक्सिमा के लिए एन की वैल्यू आएगी 1, एन की वैल्यू 1, तो ये पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्ब्रा, पार्ट डिफरेंस आएगा लैम्ब्रा। तो फ्रॉम थ्री एंड फोर ये दोनों को इक्वेट करेंगे, ये दो इक्वेशन को इक्वेट करेंगे, तो ये आएगा 2DY अपॉन स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी प्लस लैम्ब्रा अपॉन 2 इज इक्वल टू ए लैम्ब्रा। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसे इस साइड में भेज देते हैं, तो एक 2DY अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू ए लैम्ब्रा, और ये माइनस होगा तो ए लैम्ब्रा बाय 2 रहेगा। तो ये y चाहिए तो इसे यहाँ पे भेज देते, इसे नीचे भेज देते, तो y इज इक्वल टू ए डी यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो लैम्ब्रा कैपिटल डी डिवाइड बाई 2 यहाँ पे आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होके 4, और ये d भी मल्टीप्लाई होगा, तो इतना आएगा y की वैल्यू, इतनी आएगी y की वैल्यू की, जहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम O। अब ए पार्ट में कहा था कि इंटेंसिटी जस्ट अबव O, तो हमने देखा कि फर्स्ट मैक्सिमा अगर यहाँ पे, अब ये फिगर बड़ी हमें दिखाने के लिए ये बड़ी निकाली, एक्चुअली ये जब एक्चुअल प्रैक्टिकल में होगा तो ये सोर्स यहाँ पे कहीं आएगा, ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी और ये डायरेक्ट लाइट यहाँ पे आएगी। सपोज ये फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे है, फर्स्ट मैक्सिमा यहाँ पे है, तो O के जस्ट अबव, तो ये मैक्सिमम है, तो उसके पहले तो क्या होगा, मिनिमम होगा। हमने यहाँ पे इसे इसी फिगर को जूम कर दिया, तो ये बड़ी फिगर होगी, तो ये अगर फर्स्ट मैक्सिमा है तो फर्स्ट मैक्सिमा के पहले तो मिनिमा होगा, मतलब डार्क फ्रिंज होगी। तो अगर ये फर्स्ट मैक्सिमा है तो उसके पहले तो डार्क फ्रिंज ही होगी, तो जस्ट अब वो डार्क फ्रिंज ही होगी, मतलब मिनिमा ही होगा, जहाँ पे इंटेंसिटी जीरो होगी। तो इसके कारण बिलो ए पार्ट का आंसर क्या होगा कि बिलो फर्स्ट मैक्सिमा मतलब वही कि जस्ट अबव ओ इंटेंसिटी मिनिमम होगी, मतलब जीरो होगी।